धरती पर जीवन कैसे आया, कैसे बना, वह कौन सा अनुकूल कारण था जिससे कि जीवन की शुरुआत हुई, इसे हम इस रॉकेट इंजन के एक ट्रायल से समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया इस स्पेस की एक पिक्स जगह से किसी एटम्स के दूसरी जगह के मूवमेंट होने को हम उस पिक्स जगह का रिफ्रेश होना कहते हैं। हमारा शरीर भी कल्पनाओं में माना कि इस स्पेस की एक फिक्स जगह पर इस समय ऐसा ही है, जिस समय हम किसी प्रकार का बदलाव हमारे शरीर में नहीं देख रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू हमारा शरीर क्वांटम लेवल पर यानी कि एटम लेवल पर रिफ्रेश हो रहा है, यानी कि अपनी क्वांटम लेवल के स्पेस की फिक्स जगह से क्वांटम लेवल की स्पेस की दूसरी जगह खिसक रहा है, पुरानी जगह को रिफ्रेश करके। और यही किसका उस पुरानी जगह को रिफ्रेश करता है और हमारा शरीर लंबे समय बाद हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। हमें यह तो पता है कि क्वांटम लेवल पर हमारा शरीर स्पेस की पिक्स जगह को कंटिन्यू रिफ्रेश कर रहा है और बहुत ही छोटे लेवल पर नए स्पेस का जन्म हो रहा है और उस स्पेस को रिफ्रेश करते हुए हमारा शरीर आगे बदलाव करते हुए आगे बढ़ रहा है। वाकई में बदलाव का कारण यही तो नहीं, अब हमें इसे साबित करना है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम हमारी कल्पनाओं में इसे साबित कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि क्वांटम लेवल पर 4 से 5 एटम्स है, उनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया का पहला चरण खत्म होता है, क्वांटम लेवल पर उस फिक्स जगह में बदलाव होता है, यानी कि वह आगे रासायनिक अभिक्रिया स्पेस के नए चरण में संपन्न होगी। पुराने स्पेस की फिक्स जगह को रिफ्रेश करके वह नए स्पेस की तरफ बढ़ जाएगी और नए नए स्पेस में किसी दिखने वाली संरचना का रिफ्रेश होते रहना किसी संरचना में बदलाव के पीछे कारण होता है और इसी नियम को हमारा शरीर और संपूर्ण जीवन फॉलो करता है। यह एक आप रॉकेट इंजन का ट्रायल देख सकते हैं। स्पेस को यदि हम कोई जीव मान लेते हैं, यानी कि हमारी कल्पनाओं में इसे हम स्टेबल कर देते हैं और वह संरचना जिसे हम देख सकते हैं वाकई में वह भी क्वांटम लेवल पर कुछ इसी नियम को फॉलो कर रही है। जैसा यह प्रेशर इस समय हमारे आंखों के सामने रिफ्रेश हो रहा है, यानी एक जगह को यह रिफ्रेश करते हुए दूसरी जगह में ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर कल्पनाओं में हम इसे कोई संरचना मान ले और वह संरचना इसी नियम को फॉलो कर रही हो तो हमें कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा। मुझे पता है आप समझ गए होंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो साइंस से रिलेटेड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।